17 मार्च शुक्रवार को कुक्षी विधायक हनी बघेल का जन्मदिन पैतृक गांव तलावड़ी में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन मनाने के पूर्व सुबह सर्वप्रथम हनी बघेल ने ग्राम मोगरा पहुंचकर अपनी मुंह बोली बहन विकलांग एवं बेसहारा महिला भूरी बाई को अपने खर्चे पर नवनिर्मित मकान बनाकर तोहफे में दिया। भूरी बाई इस तोहफे को पाकर काफी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने विधायक हनी बघेल को दुआएं देते हुए कहा कि जब तक मेरा भाई हनी बघेल का हाथ मेरे सर पर है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर इन्हें दीर्घायु बनाए। तत्पश्चात हनी बघेल के तलावड़ी स्थित निवास पर भव्य पंडाल में हनी बघेल के शुभचिंतकों ने असंख्य की तादाद में केक काटे एवं फूलमाला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कुक्षी विधानसभा के डही निसरपुर एवं कुक्षी ब्लॉक के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता तलावड़ी हनी बघेल को शुभकामना देने पहुंचे थे। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। भूरी जी, क्या पूरा मामला है जो आपको आज भैया ने मकान बना के दिया है? मेरे विधायक भैया ने एक दिन जा रहे थे, मैंने बोला कि भैया आप व्यवस्थित से मेरा मकान नहीं है, अभी तक मेरा बना नहीं है और मैं गरीब हूँ तो मेरे लिए कोई व्यवस्थित नहीं है गांव में, तो आप कर सकते और ये मदद मैं आपसे मांगती हूँ करके मैंने बोला भैया को। तो भैया ने बोला उसी दिन कि हाँ बहन, तेरा ये पूरा काम हो जाएगा। ग्राम तलावड़ी वाले सुरेंद्र बघेल मेरे भैया, तो उसकी खुशी में आज मेरा पूरा सहल, मेरी खुशी और मेरे बाल बच्चे और सब खुशी मिल गई है मुझे, और आगे भी मुझे खुशी और भी मिलना चाहिए और मेरे भैया को भी यही आशीर्वाद है मेरा। आपका नाम? मेरा नाम भूरी बाई। भैया, एक तरफ प्रदेश में और देश में प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिए जा रहे हैं गरीब लोगों को, और चूंकि कुक्षी क्षेत्र में तलावड़ी एरिया में आपके विधानसभा क्षेत्र में एक महिला है, दिव्यांग है, जिनको आज तक आवास नहीं मिला और आपने आज आवास बना के दिया, आपके जन्मदिन पे क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे और कुक्षी की जनता ने इस मुकाम पे मुझे पहुँचाया कि आदिवासी समाज की मैं सेवा कर सकूँ। भूरी बाई हमारी नेत्रहीन दिव्यांग महिला है, आदिवासी महिला है। एक दिन मैं यहाँ से गुजरा तो बहन ने मुझे रोका कि भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और रहने का मेरा आसरा नहीं है, आप दो कमरे का कम से कम मुझे मकान बना के दे दो। तो मैंने उसी तो मैं प्रण लिया कि मेरे जन्मदिन के तक बहन भूरी भाई को मैं मकान बना के दूंगा, ताकि वो उस दिन उसको गृह प्रवेश करे और अपने बच्चों के साथ में रहे। ईश्वर से भूरी भाई के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ कि इस परिवार में सुख शांति और घर में सदैव शांति बने रहे और उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करें। मेरी तरफ से आज मैंने जन्मदिन पे मेरी छोटी बहन भूरी भाई को भवन उपहार के रूप में आज मैंने दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।